हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग चंदार रविशंकर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अब तो ECL और WCL का एग्ज़ाम हो गया है। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनका बहुत जल्दी जो है रिजल्ट आएगा और उनका ज्वाइनिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका ज्वाइनिंग जो होगा वो किस ग्रेड में होगा और इस ग्रेड में ज्वाइन करने के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, आप फ्यूचर का स्कोप क्या है आपका, आप आगे जा करके क्या क्या बन सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा आगे जाना चाहे जैसे मैनेजर PO लेवल तक जाना चाहे तो आपको अभी से क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको जो है लाइफ में जब वो मौका आए तब आप वहाँ पे मिस ना कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आप लोग का जो वैकेंसी है वो माइनिंग सरदार T&S टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड C है, जिसका बेसिक जो है 31,852 रुपया समथिंग कुछ पैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी जब आप ग्रेड सी में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 6 महीना या साल भर के लिए प्रोबेशन में रखा जाएगा। प्रोबेशन के बाद फ्रेंड्स 3 साल जब तक आपका नहीं होगा, 3 साल के बाद जो है आपको ग्रेड बी में प्रमोशन के लिए सीनियरिटी में जगह मिलेगा, और इसके बाद एरिया में जिस हिसाब से वैकेंसी रहेगा उस हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा ग्रेड बी में। फिर उसी तरह ग्रेड ए में मिलेगा और इसके बाद A1 में मिलेगा। A1 में आने के बाद आपका अगर मैनेजर पोस्ट में जाने का इच्छा नहीं है तो आपका करियर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आप पूरा ज़िंदगी जो है ओवरमैन ग्रेड A1 बन करके रह जाइएगा। फ्रेंड्स, अब हम आपको एक पॉइंट बताना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको ग्रेड बी, ग्रेड ए और ग्रेड A1 जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बताना चाहूँगा कि ये सब जो प्रमोशन होता है इसका सीनियरिटी जो फिक्स होता है, ये फिक्स होने का क्राइटेरिया है कि जो पहले ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आप सबसे पहले जा करके ऑफिस में ज्वाइन कीजिएगा, अपना ज्वाइनिंग के लिए एक एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। अगर आज आपको एप्लीकेशन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और आप उस कंडीशन में है कि आप आज शाम ऑफिस बंद होने से पहले 4 बजे से पहले आप जो है रिपोर्ट कर सके तो कोशिश कीजिए सेम डे में रिपोर्ट कर लेने का। क्योंकि फ्रेंड्स, आप गहराई से मेरा बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत अच्छा चीज़ हम बताने वाले हैं जो शायद जल्दी कोई नहीं बताने वाला है, कि प्रमोशन क्राइटेरिया तो कोई नहीं बताता है आजकल कि कैसे जल्दी से जल्दी प्रमोशन लिया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपके साथ 10 लड़का को आपका एरिया में पोस्टिंग मिला है तो 10 लड़का में अब आप सीनियर बनिएगा कि नहीं बनिएगा ये डिपेंड करेगा कि पहले ज्वाइनिंग कौन किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले जा कर के ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आप बाकी सारा स्टूडेंट से सीनियर बन जाइएगा, और ये सीनियर सिर्फ ग्रेड बी होने में काम नहीं देगा, जब बी से ए होगा ना तब भी उसी हिसाब से आपको सीनियर रखा जाएगा, और ए से A1 जैसे होइएगा ना तब भी आप ही सीनियर रहिएगा। तो सोचिए, एक दिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा और थोड़ा अपना प्रिपरेशन ऐसा रखिएगा, गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था रखिएगा कि जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिला हम फटाक से जाकर के रिपोर्ट कर ले, और जो भी डॉक्यूमेंट का प्रक्रिया होगा फ्रेंड्स वो तो हम आपको बता ही देंगे ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूटे ना। तो इसके बाद क्या होगा ना फ्रेंड्स कि आप जिंदगी भर जब तक रिटायर नहीं कीजिएगा ना तब तक आप बाकी अपना फ्रेंड से सीनियर रहिएगा, और अगर इसी में आप देर कीजिएगा तो बाकी फ्रेंड से आप जिंदगी भर जूनियर रह जाइएगा। तो इस बात का आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही आपका ग्रेड सी से बी, बी से ए और ए से A1 भी डिसाइड करेगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एरिया सेलेक्शन करने का अगर आपको मौका मिलता है तो पहले से एक सर्वे कर लीजिएगा कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है माइनिंग सरदार ओवरमैन का। तो जो एरिया में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होगा ना वही एरिया में प्रमोशन सबसे जल्दी मिलने वाला है। जैसे CCL के कंडीशन में हम लोग का मगध अमरपाली जो था वो सबसे अच्छा प्रमोशन देने का मतलब अभी स्थिति में है, क्योंकि 3 साल में सबको प्रमोशन मिल जा रहा है ग्रेड बी में। लेकिन वही मेरा BNK एरिया में देख लीजिए, 8 साल 10 साल लगभग समय लग रहा है ग्रेड बी होने में, फिर आदमी ग्रेड ए कब होगा, A1 कब होगा। तो आप समझिए कि जो सही टाइम पे प्रमोशन ले लेता है उसका फ्यूचर बहुत आगे चला जाता है, उसका सैलरी हो गया या बाकी जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दूसरा के कंपैरिजन में। एक और चीज़ आपको बता दें फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स, जैसे हम लोग प्रमोशन लेते हैं तो प्रमोशन लेने के साथ साथ हम लोग का बेसिक भी बढ़ता है। तो जो स्टूडेंट जितना कम एज में ज्वाइन करेगा, जैसे मान के चलिए मेरा ज्वाइनिंग जो था फ्रेंड्स 23 साल की उम्र में हम ज्वाइन किए थे, तो 23 साल की उम्र में हम ज्वाइन किए थे तो मेरे पास नौकरी करने के लिए 37 ईयर्स था। सोचिए, हम लगभग 37 साल तक नौकरी करेंगे, और जो फ्रेंड्स थोड़ा देर से ज्वाइन करेंगे वो उतना कम नौकरी करेंगे, और जो जितना कम नौकरी करेगा उसको उतना कम प्रमोशन मिलने का चांस रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अगर अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जो अभी स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके
उतना तैयारी कर लीजिए और जल्दी से जल्दी नौकरी पकड़ना है। जल्दी नौकरी पकड़िएगा, फ्यूचर अच्छा होगा, और फ्यूचर अच्छा होगा तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो मैनेजर बनना चाहते हैं, आज का वीडियो तो था कि जो अपना लाइफ को ओवरमैन में ख़त्म करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स कि जो मैनेजर बनना चाहते हैं उनको अलग से क्या क्या करना होगा। उनके अगर जो मैनेजर बनने का सोच के चला है उसके लिए ये सब तरीका कोई काम नहीं देने वाला है कि हमको जल्दी प्रमोशन लेना है या क्या करना है नहीं करना। जो सोच के चला है कि हमको मैनेजर बनना है, प्रोजेक्ट ऑफिसर बनना है, हमको GM बनना है, उसका प्लानिंग कुछ और रहेगा। उसका प्लानिंग जो है सीधा सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में फोकस रहेगा, MBA करने में फोकस रहेगा। उसका फोकस कभी भी ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ए ये सब में कभी नहीं रहने वाला। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस नेक्स्ट वीडियो में हम SC ST और OBC के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये लोग को अलग से क्या क्या सावधानी रखने का ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद।